In this presentation, we will discuss about optical instruments. Optical instruments, optical device, जैसे lens, mirror, इस पर based instruments होते हैं. Optical instruments की help से हम छोटे object या distant object की बड़ी image अपने eyes के पास बनाते हैं. ठीक है, सबसे simple जो instruments हैं ऑप्टिकल डिवाइस पर बेस्ड, वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आगे हम लोग टेलीस्कोप भी डिस्कस करेंगे. सिंपल माइक्रोस्कोप में तो सिंगल कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है ना, ये घरों में तुमने देखा भी होगा. दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये बेसिकली लैब में यूज होता है. इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस यूज कर सकते हैं. ठीक है, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देख सकते हैं, जैसे मस्कीटो का डायग्राम दिखाया गया, उसकी बड़ी इमेज दिखाई गई है. ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा आई के बारे में डिस्कस कर लें. नॉर्मली हमारी जो आई होती है उसमें एक लेंस लगा होता है जिसको हम आई लेंस कहते हैं. आई लेंस नॉर्मल लेंसेज से डिफरेंट होता है. क्या क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकती है, वेरिएबल होती है. ठीक है, इसकी इसी कैपेसिटी की वजह से हमारी आई बहुत दूर के और बहुत पास के ऑब्जेक्ट देख सकती है. नॉर्मली हमारी आईज इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख सकती है. तो आई की इस पावर को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई. ठीक है, नॉर्मली अब हम बात करते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी आईज पे हमको कैसे दिखता है. तो सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट और वहां से ऐसे लाइट रे चल रही है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का साइज ये है, जैसे ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका साइज ये है. ऑब्जेक्ट का साइज थीटा, मतलब एंगल थीटा, ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाता है हमारी आईज पर, साइज उसी पर डिपेंड करता है. अगर ये एंगल चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज हमारी आईज पर चेंज हो जाएगा. ठीक है, साइज यहाँ से ये एंगल थीटा होगा तो इसका अपोजिट एंगल भी थीटा होगा, तो साइज भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा. नाउ अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं तो ये एंगल थीटा कम हो जाएगा. ठीक है, और ऑब्जेक्ट का साइज भी छोटा हो जाएगा. ठीक है, पहले पास में था तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, अब ऑब्जेक्ट को हम दूर ले गए तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज इस एंगल पे डिपेंड करेगा, थीटा. इसको विजुअल एंगल कहते हैं. ठीक है, विजुअल एंगल. तो इसी तरह से अगर हम इसको पास लाएं तो ये एंगल इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, और पास लाते जाए, ठीक है, एंगल इंक्रीज करता रहेगा और ऑब्जेक्ट का साइज हमारी आईज पे इंक्रीज करता रहेगा. ठीक है, मगर हम ज्यादा पास लाएंगे तो हमें दिखेगा नहीं. मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पास ला सकते हैं? डी. और इस डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है नॉर्मल यंग एज में, और ओल्ड एज में थोड़ी सी ये वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, तो इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अगर ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ है, सपोज इसके पास पहले ले आओ, पास ले आओगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट उतना प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप तो एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है या कन्वर्जिंग लेंस होता है. ठीक है, तो इस कन्वर्जिंग लेंस में सपोज कैपिटल डी इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो हम जो कन्वर्जिंग लेंस लेंगे उसकी फोकल लेंथ डी से कम होनी चाहिए, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए या सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए. सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो भी हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, तो 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए. ठीक है,
क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, इस तरफ आई हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया उसके बीच में रखेंगे, इसके उधर नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट। इसलिए जो भी हम कन्वर्जिंग लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यूज़ करेंगे उसकी फोकल लेंथ हमेशा 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है? ओके, तो क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे? तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये फोकल लेंथ है और लाइट रे चल रही है। एक लाइट रे जो एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली गई, एक जो पैरेलल है एक्सिस के पैरेलल है ना वो इधर फोकस से जाएगी, ठीक है? फोकस उतनी डिस्टेंस पे बनेगा। तो इसकी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज उसी साइड बन जाएगी, ठीक है? एक चीज़ और समझना, सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड होने चाहिए क्योंकि आईज दूसरी साइड है। इस साइड इमेज बना के कोई फायदा नहीं, ठीक है? अगर तुम्हें इमेज को देखना है तो उसी साइड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की साइड होना चाहिए। इसलिए भी ऑब्जेक्ट को फोकस से कम डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है? ओके, तो दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके बारे में कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहले देखो कि हमें ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट का साइज हमें ये दिखाई देगा, ये जो येलो वाली लाइन दिखा रहा है ना, ये आई पर जितना एंगल सबस्टेंड करेगी, जैसे ये एंगल सबस्टेंड करती है, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट का नहीं है, इमेज का साइज होगा, सॉरी ये इमेज का साइज होगा। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट की हम इमेज देख रहे हैं तो इमेज का साइज इस एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो उससे पहले हम ऑब्जेक्ट को अगर डी डिस्टेंस पे रखें, डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम एंगल बनेगा आई पे, क्योंकि इसके पास अगर ऑब्जेक्ट को डी के पास लाते हो तो हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा। तो यू कैन से कि दिस इज द मैक्सिमम एंगल इन एट विच द ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल, है ना? तो आई पर जो मैक्सिमम एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो मैक्सिमम एंगल जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो वो एंगल ये है। ये वाला एंगल तो एंगल फॉर्म बाय इमेज हो गया, ठीक है? और ये वाला एंगल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, थीटा ओ इज एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट फॉर क्लियर विजिबिलिटी। हाँ, तो एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट को हम लिख सकते हैं h अपॉन d, थोड़ी देर में इसको लिखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझ लें एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? दैट इज एंगल फॉर्म बाय इमेज, थीटा इज एंगल फॉर्म बाय इमेज, थीटा नॉट इज एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, या यू कैन से मैक्सिमम एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट फॉर क्लियर विजिबिलिटी। तो एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट तो अलग से हम डी डिस्टेंस पे बना के निकाल लेंगे, दैट इज बेसिकली एच अपॉन डी होगा, और एंगल फॉर्म बाय इमेज यहाँ से निकालेंगे और इसके बेस पे कुछ फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है? ओके, तो लेट अस डू द डेरिवेशन फॉर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले वही, ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखा आई, अभी इस केस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है या सिंपल या मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, इसको हम अलग से निकाल लेंगे। और ये तो चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, ये हम ऐसे ही निकालेंगे। ऑब्जेक्ट को डी पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम एंगल आई पे देखेंगे वो कितना होगा, सच दैट ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है? तो थीटा नॉट की वैल्यू एच अपॉन डी हो जाएगी, ठीक है? या यू कैन से टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन डी हो जाएगा। और जब मतलब ये ऑप्टिक्स में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंगल्स बहुत कम होते हैं इसलिए टेन थीटा नॉट की वैल्यू थीटा नॉट के बराबर या साइन थीटा नॉट के बराबर होती है, तो ये तो हमने हर डेरिवेशन में किया है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन डी हो जाएगा। फिर स्मॉल एंगल्स ऑब्वियसली थीटा नॉट, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा नॉट इज एच अपॉन डी। दिस इज वेरी सिंपल। हाँ, उसके बाद अब बात करते हैं, पहली इक्वेशन हो गई,
अब बात करते हैं एंगल फॉर्म बाय इमेज की ऑन द आई। तो उसके लिए फिर सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस लेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है जो कि थीटा अपॉन थीटा नॉट है। थीटा नॉट की वैल्यू एच अपॉन डी पहले ही आ चुकी है, रे डायग्राम कॉपी कर लिया हमने। अब जो फाइनल इमेज है, ये वाली इमेज, ये कहाँ पर बनती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम करोगे, ये डिस्टेंस कम हो रही है, तो इमेज की डिस्टेंस भी ऐसे ही कम होती जाएगी। ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज की डिस्टेंस भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं भी रख सकते हो। ये सिंपल आई नहीं है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो 25 सेंटीमीटर का कोई चक्कर नहीं है कि 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। हाँ, जो इमेज बननी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी बननी चाहिए। यहाँ पर हमें इमेज को देखना है, ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, हमें इमेज को देखना है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंटेशन में क्या ला रहे थे कि ऑब्जेक्ट अगर दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाएगी, ऑब्जेक्ट अगर पास आएगा तो इमेज भी पास आएगी, ठीक है, समझ आ गया होगा। नाउ इसमें एक केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा, एक्सट्रीम केसेस लेते हैं, बीच में तो बहुत सारे केसेस होंगे। इमेज डी से लेकर, यहाँ भी ये भी समझना कि जो इमेज है, जैसे ऑब्जेक्ट को हम, इसको फिर से समझ लो, ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, मगर इसमें इमेज के लिए कंडीशन है, इमेज जो है वो डी, जैसे डी और इन्फिनिटी के बीच में बननी चाहिए, ठीक है, इमेज डी और इन्फिनिटी के बीच में बननी चाहिए, समझ आई बात। तो जब इमेज इस तरह से डी और इन्फिनिटी के बीच में, तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, फोकस पे रखा होगा, ठीक है। तो एक जो एक्सट्रीम केस हो जाएगा कि इमेज कहाँ पर बने, इन्फिनिटी पे बने, उस केस में एंगल फॉर्म बाय इमेज कितना हो जाएगा, मतलब उस केस में यू की वैल्यू तो एफ के बराबर हो जाएगी, और उस केस में एंगल फॉर्म बाय इमेज की वैल्यू, इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब जब हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, फोकस पे रखा होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये तो बता ही चुका हूँ मैं, थीटा आई की, टेन थीटा आई की वैल्यू एच अपॉन एफ के बराबर होगी, थीटा इमेज की वैल्यू, ये थीटा वन नहीं है, थीटा इमेज है, थीटा इमेज है, तो थीटा इमेज की वैल्यू टेन थीटा वन, ऑब्वियसली थीटा वन बहुत छोटा है तो ये टेन थीटा वन के बराबर हो जाएगा, थीटा आई के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एफ। और लेट्स, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज एट इज एट इन्फिनिटी, और यू कैन से फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज थीटा वन अपॉन थीटा, थीटा आई अपॉन थीटा नॉट, सॉरी थीटा आई अपॉन थीटा नॉट, थीटा नॉट भी नहीं है, थीटा ऑब्जेक्ट है, थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग की वजह से, थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट, थीटा इमेज की जो वैल्यू है वो है एच अपॉन एफ, और थीटा ऑब्जेक्ट की वैल्यू एच अपॉन डी, एच एच कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो जो मैग्नीफाइंग पावर का, ये मैग्नीफाइंग पावर होगी, यहाँ से एम आई लिखा है तो इसको खाली एम लिख लेना, जो भी है मैग्नीफाइंग पावर ये है, या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इमेज चलेगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, डी अपॉन एफ, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया जब इमेज कहाँ पर बने, इन्फिनिटी पर बने, ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखना होगा, ओके। तो ये हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट होता है कि इमेज डी पर बने, क्योंकि इमेज को डी और इन्फिनिटी के बीच में बनना चाहिए, डी के पास इमेज नहीं बन सकती क्योंकि फिर वो क्लियरली विजिबल नहीं होगी, और मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ पर हमें इमेज को देखना है, ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट को हम देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट को अगर देखना होगा तो हम ये लेंस फेंस कुछ नहीं रखेंगे, सीधा ऑब्जेक्ट को डी पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ना ये तो पुराना वाला केस था, तो अब जो है, हाँ, दूसरे वाले केस में इसमें थीटा इमेज थीटा टू के बराबर है, चलेगा। इसमें क्या है, ये जो दूसरा केस है जिसमें इमेज डी पर बने, ये दूसरा एक्सट्रीम केस हो जाएगा, ठीक है, इसमें एंगल फॉर्म बाय इमेज थीटा टू के बराबर होगी, ओके, और थीटा टू की वैल्यू एच अपॉन यू नॉट होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर यू नॉट पे रखना होगा,
फोकस पे नहीं रख सकते, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना होगा, यू नॉट पे रखना होगा। सेकंड केस में यू नॉट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड करने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है। एम एन इज़ मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज एट नियर पॉइंट, और उसका फिर फॉर्मूला रखेंगे थीटा टू अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट, जस्ट पुट द वैल्यू एच अपॉन यू नॉट अपॉन एच अपॉन डी। सिमिलर तरीके से इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज अगर पुट करें तो फाइनली यहाँ पे डी अपॉन यू नॉट आ जाएगा। यू कैन से कि दिस इज जनरल फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, डी अपॉन यू नॉट। यू नॉट की वैल्यू पिछले केस में तो एफ के बराबर होगी और इसमें अभी हमें निकालनी है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। सारे केस में ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। और जो पहले फॉर्मूला निकाला और जो आगे फॉर्मूला निकलेगा वो एक्सट्रीम केसेस में वैलिड है। एक्सट्रीम केस का मतलब क्या हुआ कि इमेज इन्फिनिटी पर बने या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। तो अभी हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 5 हो गई है ना, एक एक करके लेंस फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, या 1 अपॉन यू को इधर ले लिया तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यहाँ पर क्यों यूज करेंगे, मैंने पहले ही ऑप्टिक्स में डिस्कस किया था कि अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के बारे में उनके बारे में पक्का पता है कि वो किस तरफ है, तो हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। भले उनकी वैल्यू ना पता हो, मगर हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना है, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। वैल्यू नहीं पता है बट हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट को हमें इधर ही रखना है, तो यू की जगह हम माइनस यू नॉट यूज़ करेंगे। तो यू की जगह हम माइनस यू नॉट यूज़ करेंगे, और ऑब्वियसली बी की जगह क्या यूज़ करेंगे, माइनस डी यूज़ करेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की, तो वो सब रखने के बाद यू की जगह माइनस यू नॉट, वी की जगह माइनस डी, एंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो इसके बाद माइनस, ये तो कैलकुलेशन है सीधे करो, ठीक है। इसमें क्या किया, माइनस वी यू की जगह माइनस यू नॉट रख दिया, वी की जगह माइनस डी रख दिया, ये तो वैसे ही है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है, माइनस से नहीं, माइनस डी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें डी अपॉन यू नॉट चाहिए ना। तो फाइनली डी अपॉन यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस डी बाई एफ। यानी इस केस में जब इमेज कहाँ पर बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। तो ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बने तब मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन एफ, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने तब 1 प्लस डी बाई एफ। बाकी सभी केसेस में, अब ये यही दो केसेस नहीं होंगे, बाकी बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें इमेज डी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, तो कोई भी केस हो उसमें जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो इनके बीच में रहेगी, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो इनके बीच में रहेगी। और एक चीज़ और है कि मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ के अपोजिट है, इसलिए जितनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर चाहिए उतना फोकल लेंथ कम होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक कंसेप्ट है, ओके। तो सिंपल माइक्रोस्कोप वी हैव डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, ओके।